ब्रिटेन में ओमिक्रोन से पहला मौत का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इसकी जानकारी दी। जॉनसन ने देश के नाम संदेश में कहा, हमारे देश में ओमिक्रोन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वे ये सोचना छोड़ दें कि ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है। इस वेरिएंट की वजह से देश के अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। जॉनसन से पहले हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, अब तक 10 लोग इस वेरिएंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। सभी को बूस्टर डोज जरूरी है, इसलिए बेवजह परेशान ना हो, रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी बारी पर यह डोज लगवाएं। बचाव का यही सबसे अच्छा तरीका है। जॉनसन के भाषण के बाद एक तरह के ब्रिटेन के लोग दहशत में आ गए हैं। ये नेशनल हेल्थ सर्विस की वेबसाइट पर बूस्टर डोज की बुकिंग के लिए लोग टूट पड़े। हालात ये हो गए कि कुछ ही देर में वेबसाइट क्रैश हो गई। इसके बाद NHS के अफसर सामने आए और लोगों से कहा वे किसी तरह की हड़बड़ाहट ना करें। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल में छात्र ने खुद को बम से उड़ा लिया। छात्र की मौत हो गई। घटना के वक्त उसके आसपास कई दूसरे स्टूडेंट्स मौजूद थे, इनमें से 8 घायल बताए गए हैं। एक की हालत गंभीर है। खुद को बम से उड़ाने वाले स्टूडेंट की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। टेस्ला के फाउंडर और स्पेस एंटरप्रेन्योर एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। मैगजीन के मुताबिक 50 साल के मस्क वास्तव में टेक्नोलॉजी मैग्नेट हैं। उन्होंने अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। टाइम मैगजीन 1927 से पर्सन ऑफ द ईयर चुन रही है। इस बारे में मस्क को चुने जाने की एक वजह यह भी है, उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को नया आयाम दिया। रूस के राष्ट्रपति तीर ने कहा कि सोवियत संघ के पतन से ऐतिहासिक रूस का अंत हो। उन्होंने कहा, सोवियत संघ के पतन के बाद उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टैक्सी तक चलाकर गुजारा करना पड़ा था। KGB के पूर्व एजेंट रह चुके राष्ट्रपति पुतिन ने पहले सोवियत संघ के पतन पर शोक जताया, लेकिन अब कहा कि 3 दशक पहले राष्ट्रपति बना त्रासदी था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सुर बदलने लगे। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्हें पुराने दुश्मन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ दोस्ताना रिश्तों से कोई परहेज नहीं। अफगान लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। विदेश मंत्री मुताकी ने आगे कहा कि महिलाओं को नौकरियों में भी तरजीह दी जाएगी। मुताकी ने आगे कहा कि अमेरिका 75,000 करोड़ रुपए के फंड को जल्द से जल्द जारी कर दी। ये फंड अमेरिका ने अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान राज के काबिज होने के बाद फ्रीज कर दिए थे। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अफगानिस्तान के काबुल में अगस्त में हुई ड्रोन स्ट्राइक को लेकर किसी भी अमेरिकी सैनिक को सजा नहीं होगी। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने इसकी जानकारी दी। इस हमले में 10 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें अमेरिकी सहायता संगठन का एक अफगान कर्मचारी और 7 बच्चे शामिल थे। सैन्य अधिकारियों ने पहले कहा था 29 अगस्त को हमला आपराधिक लापरवाही का नतीजा। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामिक अमीरात को इस्लामिक देशों के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। ये सम्मेलन 19 दिसंबर को होने वाला है। विदेश मंत्रालय में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रमुख वलीउल्लाह शाहीन ने कहा, अफगान अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, दुनिया के साथ अफगानिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाना बैठक का मुख्य एजेंडा है। दुनिया भर में खिलौनों में प्लास्टिक का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ गया है। बच्चों के जरिए प्लास्टिक के खिलौने घर में आते हैं और इस्तेमाल के बाद भी खत्म नहीं हो पाते। व्यर्थ होने पर एक बार फेंकते ही ये हमारी फूड चेन में शामिल हो जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दुनिया भर में कई प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन बनाए जा रहे हैं। पंजाब में अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर BSP की अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में कहा, राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में BSP अकाली गठबंधन मिलकर लड़ेगा और इस चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। हालांकि मायावती ने मैसेज में एक बार भी भाजपा का नाम नहीं लिया। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो के खिलाफ दायर याचिका को केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था, सर्टिफिकेट उसका निजी मामला है और उस पर PM नरेंद्र मोदी की फोटो ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने उससे सवाल किया कि आप नेहरू के नाम वाली संस्था में काम करते हैं, आपने उसे बदलवाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए केस मिले। इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। इस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश के आधे केस महाराष्ट्र में ही हैं। वहीं गुजरात के सूरत में भी एक ओमिक्रॉन केस की पुष्टि हुई। संक्रमित हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटा है। इसके साथ ही देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल केस अब 41 पर पहुंच गए हैं। सोमवार शाम श्रीनगर के जैवन इलाके में पुलिस की बस पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी मौके पर
ही शहीद हो गए जबकि एक ने मंगलवार की सुबह दम तोड़ दिया। हमले में 12 जवान घायल हुए। इस घटना के बाद ये सवाल उठना लाजिमी है कि घाटी और खासकर श्रीनगर में इतने सख्त सुरक्षा इंतजामों के बावजूद ये हमला कैसे हो गया। मुंबई के शिवाजी मैदान में 28 दिसंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली होने वाली थी लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने इस रैली को मंजूरी नहीं दी। बीएमसी के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज यानी सोमवार को सोना चांदी के दामों में बढ़त देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के अनुसार आज सराफा बाजार में सोना 293 रुपए महंगा होकर 48,109 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर दोपहर 1 बजे सोना 62 की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। निवेशकों ने गोल्ड ETF का चलन बढ़ रहा है, इसी का नतीजा है। नवंबर में गोल्ड ETF 683 करोड़ रुपए का निवेश आया जो अक्टूबर के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है। अक्टूबर में इसमें 304 करोड़ रुपए का निवेश किया। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये समय सोने में निवेश के लिए सही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश की सेना में 9,362 अफसरों और 1,13,000 सैनिकों की कमी है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया आर्मी में जूनियर कमीशन अधिकारियों सहित 7,476 अधिकारियों और 97,177 सैनिकों की कमी है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 200 करोड़ की रंगदारी मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें अभिनेत्री का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में कहा सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को मिनी कपूर से लेकर डायमंड इयररिंग्स तक गिफ्ट किए थे, हालांकि इसे एक्ट्रेस ने उन्हें वापस कर दिया था। ईडी इस मामले में जैकलीन से 30 अगस्त और 20 अक्टूबर को पूछताछ की है। ओलंपिक के बाद देश में पहली बार मिशन ओलंपिक कमेटी की बैठक हुई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। खेल मंत्री ने कहा बैठक में पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान कैसे अच्छा प्रदर्शन करें इस पर रोड मैप तैयार हुआ। कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 महीने बाद होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार प्रदेश चुनाव कमेटी का गठन कर दिया। 53 मेंबरी चुनाव कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू होंगे। कमेटी के मेंबरों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन अंबिका सोनी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं। पंजाब के बठिंडा में किसानों ने कृषि कानूनों पर अपनी जीत के जश्न में अभिनेत्री कंगना रनौत को भी शामिल कर लिया। गांव कोटसमीर में किसानों ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना के पुतले का गांव गहरी भागी के किसान महेंद्र सिंह के साथ विवाह कर दिया। विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ। कंगना के पुतले को दुल्हन की तरह सजाया गया और उसका हार श्रृंगार किया। मुंबई के अंधेरे इलाके में स्थित फेमस दीपा बार में एक अंडरग्राउंड तहखाने का पता चला। इस तहखाने के अंदर 17 लड़कियों को ठूस कर बंद कर दिया गया था। ये सभी बार बालाएं बताई जा रही हैं। इनमें से कईयों की उम्र बहुत कम है। जिस तहखाने का पता पुलिस को चला है उसमें खड़ा हो पाना भी मुश्किल था। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉलेज एग्जाम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कॉलेज के एग्जाम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होंगे, इसका फॉर्मूला जल्द ही तय किया जाएगा। परीक्षा को लेकर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। दमोह के मगरौन में बाबा काशी विश्वनाथ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कल ही माता मंदिर परिसर में बड़ी साला के महंत जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। साथ ही मां काली माता दरबार में सभी देवालय की पूजा अर्चना की गई और भाजपा मंडल फतेहपुर के ग्राम केंद्र मगरौन की बैठक हुई और देशभक्ति के नारे लगे। तराना के बगवादा मार्ग पर चार पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई जिसे प्राथमिक उपचार कर उज्जैन रेफर कर दिया गया। हादसे की वजह खराब सड़क और सड़क पर पड़ी गिट्टी बताई जा रही है। बंडा के शाहगढ़ में किसान बिजली की कटौती से काफी परेशान है। सोमवार को ग्राम बमनौरा सासा के लोग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोधी के साथ विद्युत विभाग पहुंचे और घर पालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया खेती किसानी के लिए 10 घंटे बिजली निर्धारित है लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कटौती की जा रही है। ग्रामीणों ने वहां पदस्थ लाइनमैन की कार्यशैली पर सवाल उठाया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में 13 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। आरोपी निकुंज शर्मा पर FIR दर्ज हुई। प्रधानमंत्री खाद्य योजना में घोटाले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। बीजेपी का कहना है इस संबंध में पार्टी विचार कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऑटो रिक्शा मालिकों और चालकों पर लगातार कार्रवाई का विरोध अब बढ़ने लगा है, जिसके चलते ऑटो यूनियन के सचिव जहूर खान ने संरक्षक पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता से भेंट कर समस्याओं के निराकरण की मांग की। ऑटो यूनियन ने मांग की है आरटीओ द्वारा जो भारी जुर्माना किया जा रहा है उसे माफ किया जाए, साथ ही आरटीओ द्वारा कैंप लगाकर कागज तैयार किए जाए। बीजापुर के भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ ब्लॉक में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसी के चलते छत्तीसगढ़ के आबकारी उद्योग मंत्री कवासी लखमा सोमवार को भोपालपट्टनम पहुंचे। यहां उन्होंने बाइक रैली के माध्यम से रोड शो किया और वार्डों में जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। प्रचार के दौरान मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भूपेश सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में जन्मे 9 साल के एडन का अमेरिका की जूनियर मेजर लीग फुटबॉल प्रशिक्षण टीम में चयन हुआ। सैकड़ों खिलाड़ियों में से चुने गए 10 किशोरों में एडन अपनी विशिष्ट खेल प्रतिभा के कारण स्थान बनाने में कामयाब रहे, जो दमोह जिले के लिए अत्यंत गौरव की बात है। गरियाबंद में राज्य सरकार ने कृषि विभाग के उपसंचालक फागुराम कश्यप को मिनी राइस मिल की खरीदी में प्रावधानों और विभागीय नियमों की अवहेलना करने पर निलंबित किया। साथ ही लापरवाही बरतने और दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं करने का आरोप लगाया। निलंबन अवधि में उपसंचालक कृषि फागुराम कश्यप का मुख्यालय संचालनालय कृषि नवा रायपुर निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की खूबियों से जुड़ी पैम्फलेट्स का विमोचन किया। इसके साथ ही सिंधिया ने ग्वालियर विकास कार्यों की समीक्षा की। सिंधिया ने कहा ग्वालियर में स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाना होगा, इंदौर की तर्ज पर ग्वालियर में भी स्वच्छता के कार्य हों, इसके लिए इंदौर मॉडल का अधिकारी अवलोकन करें और उसको जमीनी स्तर पर उतारने का काम करें। इंदौर तेजाजी नगर पुलिस ने शादी समारोह से गहनों से भरा बैग चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने चोर के घर से चोरी किया सामान भी बरामद कर लिया है। फरियादी जितेंद्र जैन के मुताबिक वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था, इसी दौरान किसी ने उसके बैग का ताला तोड़कर उसमें रखी ज्वेलरी निकाल ली। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने शक के चलते अपने दोस्त को मौत के घाट उतारा। दरअसल गौतमपुरा मोहल्ले में एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त होने के बावजूद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी युवक से पूछताछ की, उसने जुर्म कबूल कर लिया। इंदौर में यातायात सुविधा को बहाल करने के लिए नगर निगम सड़क किनारे बने स्थायी अतिक्रमण को हटा रहा है। इसके तहत परदेशीपुरा स्थित अस्थायी सब्जी मंडी को हटाया गया। बताया जा रहा है कई दिनों से सब्जी की अस्थायी दुकानें रोड किनारे लगाई जा रही थी, जिसके चलते यातायात में काफी असुविधा हो रही थी, इसके तहत कार्रवाई की गई है। मंडला के धनवाही के रहने वाले सीआरपीएफ जवान मनोज मरावी की ड्यूटी के दौरान तबियत खराब होने से निधन हो गया। बता दें कि मनोज मरावी असम के धानपुर में तैनात थे। मनोज मरावी का पार्थिव शरीर उनके घर धनवाही पहुंचा, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम दर्शन के बाद वीर जवान को राजू के सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। मुरैना की कोतवाली पुलिस ने सेना का जवान बनकर शराब तस्करी करने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कार से 8 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। ये शराब हरियाणा के पलवल से लाई गई। इसके साथ ही सेना का नकली पहचान पत्र, कैंटीन कार्ड और नकली पिस्टल मिली है। पुलिस ने अम्बा बाईपास पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर कार को रोका और कार की तलाशी ली तो शराब बरामद हुई। शिवपुरी जिले के पिछौर थाना पुलिस ने 10वीं कक्षा के छात्र का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक कोचिंग संचालक है। आरोपी स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करने के लिए जा रही छात्र का अपहरण किया और उसे चंदेरे ले जाकर दुष्कर्म किया। चंगुल से छूटने के बाद छात्रा ने पिछौर थाने में आरोपी कोचिंग संचालक के शबर खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने अतिक्रमण विरोधी अमले के साथ अतिक्रमण हटवाते नजर आए। कलेक्टर आर्य ने तिली से बस स्टैंड के बीच अतिक्रमण हटवाया। वृंदावन ट्रस्ट की जमीन पर बने मार्केट के साथ ही संस्कृत विद्यालय की 12 दुकानों को नष्ट नाबूद किया। बता दें शुक्रवार को सीएम शिवराज सागर पहुंचकर स्मार्ट सिटी का जायजा लिया और लख बंजारा झील के जीर्णोद्धार को लेकर सभी कामों को समय पूरा करने के निर्देश दिए। सीहोर में खाद न मिलने से परेशान किसान मुख्यमंत्री से गुहार लगाने की तैयारी में है। किसानों का आरोप है सोसाइटी प्रबंधन द्वारा खाद वितरण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने तहसीलदार से लेकर कलेक्टर से तक की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले को लेकर सोसाइटी के प्रबंधन संचालक का कहना है मामला संज्ञान में है, उसकी जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा के मड़वा पावर प्लांट के संविदा कर्मियों ने आंदोलन के 8वें दिन कोयला के रैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने रेलवे ट्रैक से पहले ही रोक लिया, जिसके बाद आंदोलनकारी वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया वो मंगलवार को मड़वा प्लांट के गेट में तालाबंदी करेंगे।
जांजगीर चांपा में सोमवार को जिला स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ये महोत्सव हाईस्कूल मैदान में 15 दिसंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में युवा कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से आकर्षक प्रस्तुति दी। महंत रामसुंदर दास ने कहा, सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति को स्थापित किया जा रहा है। शासकीय स्नातक महाविद्यालय जवेरा में प्रभारी प्राचार्य की मनमानी से स्टाफ के लोग परेशान हैं। हालात ये, 5 दिन से प्राचार्य कॉलेज नहीं पहुंचे और प्राचार्य कक्ष पर ताला डाला हुआ है। कक्ष के बंद रहने से कोई भी प्रोफेसर उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पा रहे। वहीं कॉलेज परिसर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। कांकेर जिले के छोटे बेठिया में सर्व आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों की संख्या में ग्रामीण पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है, ग्राम सभा की अनुमति के बिना सीताराम और बीजघाट क्षेत्र में फुल पर्यटक केंद्र और बीएसएफ कैंप खोले जाने का प्रस्ताव सरकार ने पारित किया है। इसके विरोध में ग्रामीण चक्रजाम प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सहायक शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सहायक शिक्षकों का अब तक का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। वेतन प्रसंगति दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर हजारों सहायक शिक्षक रायपुर पहुंचे हुए हैं। सोमवार को धरना स्थल पर शक्ति प्रदर्शन के बाद शिक्षक विधानसभा का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने रेडी टू ईट कल्याण संघ ने धरना प्रदर्शन किया। संघ ने महिला स्व सहायता समूह का रेडी टू ईट फूड का उत्पादन और सप्लाई का कार्य जारी रखने की मांग की। संघ का कहना है, छत्तीसगढ़ में पूरा पोषण आहार आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्लाई किया जा रहा है, जिससे महिला समूह की रोजी रोटी चलती है, लेकिन सरकार इस कार्य को महिला समूह से छीनकर बीज कृषि विकास निगम को फायदे दे रही है। अमरोहा में 7 दिन से लापता महिला का शव पड़ोस के घर पर शौचालय के गड्ढे से बरामद हुआ। मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के फयाज नगर गांव का है। यहां वृद्ध महिला राजेश देवी 6 दिसंबर से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन की। शक के आधार पर पड़ोस के घर में छानबीन किया और पीछे बने शौचालय के गटर से महिला का शव बरामद किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हत्या के आरोपी की तलाश में गुजरात पुलिस की सरगंज ग्राम एनी हथनीशी पहुंची। दरअसल आरोपी ने गांव में हुए मामूली विवाद के चलते गुजरात के वापी में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की। मौके से फरार हो गए। मृतक आरोपी गुजरात के वापी में मजदूरी करते थे। गुजरात पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।